सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर करते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ एन एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर। ठीक है, हाइपर स्फीयर, जैसे इसका मतलब क्या है, सिंपल से अगर आप इसको मतलब समझो, ये कहना क्या चाह रहा है। बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट, जैसे अगर मैं बात करूँ एन इक्वल टू टू के बारे में, सो एन इक्वल टू टू अगर मैं स्फीयर बनाने जाऊँ तो टू डायमेंशन में मेरे पास स्फीयर कैसा बनेगा, दैट विल बी अ सर्कल, बेसिकली टू डायमेंशनल सर्कल। एन इक्वल टू थ्री अगर ले लें तो इस केस में क्या बनेगा, मेरे को क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको पता है वी इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू। इसका वॉल्यूम निकालो या एरिया निकालो, बात बराबर है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो इसका बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एरिया जो निकलेगा या फिर वॉल्यूम ही कह लो, टू डायमेंशनल वॉल्यूम कह लो इसको, सो दैट इज एरिया, बेसिकली दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को अगर ऐसा हो गया कि मतलब थ्री डायमेंशन में तो ठीक है, टू डायमेंशन में आपने निकाल लिया, लेकिन अगर आपको मान लो कि एन इक्वल टू फाइव के लिए दिया गया कि एन इक्वल टू फाइव जो हाइपर स्फीयर है, क्योंकि हम जब हायर एनर्जी में जाते हैं तो वहां पे हमें हायर डायमेंशन जो होता है उसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हायर डायमेंशन में ऑब्वियसली वहां पे तो कुछ वॉल्यूम होगा। या फिर सिंपली जैसे हम फेस स्पेस की बात कर लेते हैं, फेस स्पेस में क्या होता है, अपने पास सिक्स डायमेंशन होते हैं, राइट, सिक्स डायमेंशन होते हैं, मतलब क्या होता है कि तीन जो होता है वो हमारे पास पोजिशन का होता है, पोजिशन के डायमेंशन होते हैं, और तीन जो होते हैं वो मोमेंटम के होते हैं। तो हमें इनको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब हमें ये आना चाहिए कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सो इन दिस सेशन विल फाइंड आउट द एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर। ठीक है, सो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे मतलब मैं इसको करके दिखाता हूँ जैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो आज का हो गया दैट इज वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर सर्फेस। ठीक है, हाइपर स्फीयर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे होना क्या, करना क्या अपने को, जैसा मान लो कि अपने पास क्या है कि एक मान लो कि अपने पास कर्व है, गॉसियन कर्व है कि y दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो कि ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह का है। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व, बोलो कि सर इसकी क्या जरूरत है, करके देखते हैं फिर पता चलेगा। सो अगर अपने को इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा तो y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया दैट विल बी गिवन बाय, कैसे होगा, तो एरिया विल बी गिवन बाय क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ऐसा टच नहीं होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको एक काम हम कर सकते हैं क्या, अगर मैं यहां पे कर दूं एरिया को a लिखा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको एक्स वन एक्स टू कर देते हैं, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग टर्म में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वन डायमेंशन था, मतलब ये अलग अलग इंटीग्रल है, इसको हम इस तरह के लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और क्या कर देंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो गया, डी एक्स वन डी एक्स टू। आई होप दिस पार्ट इज ओके। देखिए हाँ, अगर एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मतलब अगर आपको समझ आया तो लाइक तो करोगे ही करोगे प्लीज़, और उसके साथ क्या करना, नीचे अपना अटेंडेंस दे देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये क्या बन जाएगा, अब आपको पता है कि आपने याद है आपको, अगर टू डायमेंशन में आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या करते हो आप, आर स्क्वायर लिखते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और डी ए को क्या लिख देते हो आप, आर डी आर डी थीटा, एरिया एलिमेंट दैट इज दिस डी एक्स डी वन, ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट एरिया एलिमेंट, ये तो आपका एरिया एलिमेंट हो गया ना, एंड दिस इज, इसको तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देख लो थोड़ा ध्यान से, कि आपका ये क्या हो जाएगा, दो इंटीग्रेशनों के सर्फेस इंटीग्रल, एक कहाँ से जाएगा, जीरो से लेकर आर तक, क्योंकि आप इसको हम पोलर में कन्वर्ट करें, क्या बन जाएगा मेरा, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर डी आर, और डी एक्स वन डी एक्स टू को क्या रखोगे, आर डी आर डी थीटा। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर टू पाई, क्योंकि पोलर है तो पोलर में आपका एक पूरा सर्कल जो होता है वो चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे एंगल जो बनता है दैट इज टू पाई, परफेक्टली फाइन। ठीक, अगला काम क्या कर सकते हो आप, देखो ध्यान से, ये तो डी थीटा वाला जो इंटीग्रेशन है वो तो टू पाई हो गया सिंपली, ये क्या बन गया, जीरो से आर, और ये वाला क्या हो गया, और ये याद रखना ये ए स्क्वायर था, एंड दैट इज गिवन बाय, दैट कैन बी गिवन, इसको क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर डी आर, इसको क्या लिखोगे आप, देखो वन बाई टू, ठीक है, डी ऑफ वन बाई टू आर स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, डी ऑफ वन बाई टू आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या बन जाएगा, डी ऑफ वन बाई टू आर स्क्वायर दैट इज गिवन बाय, इसको क्या लिखोगे, हाफ ऑफ टू आर इंटू डी आर, ये कैंसिल हो गया, आर डी आर, इसी को तो मैंने ये लिखा,
सो ई टू द पावर माइनस आ चुका, और हाफ तो होगा ये बाहर आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, पाई जीरो टू आर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर और डी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप टी कंसिडर कर लो, क्या बन जाएगा ई टू द पावर माइनस टी, ये तो सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है ये, तो जीरो टू इन्फिनिटी और ये बन गया। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, आप थोड़ा ध्यान से देख लो, ये क्या बन जाएगा जीरो दैट इज इक्वल टू पाई जीरो टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। अगर इस तरह से लिखोगे ये क्या बन जाएगा पाई ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी नेगेटिव साइन के साथ, चलो नेगेटिव साइन भी ले लिया। सॉल्व करोगे जीरो रखोगे तो वन, राइट, नेगेटिव इन्फिनिटी रखोगे मतलब ये कैसा बन जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, सॉरी इसके अंदर रख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी जीरो माइनस ई टू द पावर जीरो, और इसके आगे एक नेगेटिव साइन है, मतलब ये कितना हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू पाई। पाई किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई, मतलब आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन, मतलब ए क्या हो जाएगा ए दैट विल इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई। मतलब आपका क्या हो गया, ध्यान से देखो कि आपका इंटीग्रेशन ई टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ पाई, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर का। तो देखो अब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने दो ही किए थे, अब ऐसे इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस एक्स वन स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू स्क्वायर डी एक्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर डी एक्स थ्री एंड सो ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से इसको लिखेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या मिल रहा है हमें एक्स वाई जेड, अगर तीन लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्फीयर के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे और यहां पे क्या मिल जाएगा अपने को डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री एंड सो ऑन, ये चीजें तो मिलेंगी ना। ये क्या बन जाएगा अगर मैं यहां पे तीन लूं, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे एन को थ्री रखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है यहां से, आपने देख लिया कि दिस इज इक्वल टू नथिंग बट आर स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। अगर ऐसे बहुत सारे रहे, अगर बहुत सारे रहे तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली एन डायमेंशनल सरफेस एरिया। अगर आप इस चीज को कंसीडर, दिस इज व्हाट, दिस इज एन डायमेंशनल सरफेस एरिया, यही तो था ना। यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करूं, ध्यान से देखो, आर डी आर डी थीटा दिस इज व्हाट, आर डी आर डी थीटा दिस इज नथिंग बट, ये नहीं होगा यहां पे, आर डी आर डी थीटा दिस इज नथिंग बट टू डायमेंशनल सरफेस एरिया, टू डायमेंशनल सरफेस एरिया। आप इसको इंटीग्रेट करके देख लो, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा आपको, आर डी आर डी थीटा दैट इज नथिंग बट डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे टू पाई होगा, आर इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये क्या हो गया टू डायमेंशन में सरफेस एरिया। अगर यहां पे मैं तीन रखूं तो ये तीन डायमेंशन में सरफेस एरिया, ये क्या बन जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, बस यही है आपका। इसका मतलब क्या हो गया दैट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आर एन स्क्वायर, ठीक है, आर एन स्क्वायर कर दिया मैंने, और उसके बाद इसको क्या कर दिया ऐसे कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा एन। डी ओमेगा एन का मतलब क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर स्फीयर, राइट, ये चीज होगी आपकी, यस और नो, दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा अब एक चीज यहां पे और एक चीज समझने लायक चीज जो है आपके पास दैट इज उसको हम यहां पे अब डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं। तो देखो आपको ये बात पता है कि जब आप इसको आप सॉल्व करोगे, देखो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू द पावर माइनस आर एन स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी नथिंग बट वन बाई टू ऑफ गामा एन बाई टू। बोलोगे सर ये कहां से आ गया, तो ये हम देख लेते हैं अभी कि ये वाला हो कहां से रहा, ई टू द पावर माइनस आर एन स्क्वायर और डी आर एन, ये वाला पार्ट जो है दैट इज दैट विल बी नथिंग बट गामा। इसको एक जनरल फॉर्म में आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना, इसको जैसे आपका ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो दैट इज नथिंग बट इसको क्या लिखोगे आप, मान लो कि एक्स स्क्वायर को आप टी कंसिडर कर लेते हो तो आपका टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट दिस विल बी नथिंग बट डी टी, तो आपका डी एक्स क्या हो जाएगा दैट विल बी डी टी ओवर टू और एक्स की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ टी। तो इसको जब यहाँ पे पुट करोगे ये क्या मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस टी और उसका डी एक्स की जगह क्या लिखोगे डी टी बाई टू अंडर रूट ऑफ टी, तो दैट इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस टी, वही है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और उसके बाद टू बाहर आ गया और टी की पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी, ये क्या आपका
दिस इज नथिंग बट टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस टी टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी, ये क्या आपका गामा फंक्शन ही तो है, दिस इज नथिंग बट गामा फंक्शन, क्योंकि आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू गामा एन, राइट। इसी चीज को तो हमने लिखा ना यहाँ पे, अगर वहाँ पे पावर जो है वो हाफ है, इसका मतलब गामा कितना हो जाएगा, पावर जो है दैट विल बी हाफ, वो चीज़ यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे एन डायमेंशन है इसलिए मैंने इसको एन कर दिया। आई होप दिस पार्ट इज, ये पहला पार्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। अब इस चीज़ का मतलब क्या, अगर आप इसको आप ढंग से यहाँ से लिखो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, और आपको ये बात पता कि इस साइड जो है ये जो था ये पूरा क्या था, दिस वॉज अंडर रूट ऑफ पाई, एक टर्म जो था वो आपका अंडर रूट ऑफ पाई था, ऐसे बहुत सारे टर्म रहेंगे तो पाई टू द पावर एन। इसका मतलब आप देखो अगर ध्यान से, तो दिस कैन बी रिटन एज पाई टू द पावर एन बाई टू, पाई टू द पावर एन बाई टू, थोड़ा ध्यान से देखो, पाई टू द पावर एन बाई टू, क्योंकि पाई है पावर जो है एन और ये रूट वाला एन बाई टू, दैट इज गिवन बाय सरफेस एरिया एस एन, सरफेस एरिया एस एन इन टू, अब यहाँ वाला ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, दिस पार्ट, इस वाले पार्ट को तो आपने लिख लिया अंडर वन बाई टू गामा एन बाई टू। आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई। इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया यहाँ से, ध्यान से देखो, हमने सरफेस एरिया निकाला है, सरफेस एरिया इज पाई टू द पावर एन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू गामा एन बाई टू, ये आपका क्या निकलगा सरफेस एरिया। चलो आप दिखाते हैं कि सरफेस एरिया से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आपको याद है थ्री डायमेंशन में आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, फोर पाई स्फीयर का फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, फोर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट सरफेस एरिया, मतलब सरफेस है। और अगर आप सर्कल का ले लो तो सर्कल के केस में एरिया कैसे निकालते हो, टू पाई आर डी आर, ये क्या है, उससे एक डायमेंशन का मतलब इसका सर्कमफेरेंस इनटू डी आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपने को वॉल्यूम निकालना तो हम क्या करेंगे, एस एन को डी आर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, डी आर के साथ इंटीग्रेट कर दो, आपका आ गया आंसर, राइट। एस एन को अगर आप डी आर के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आ तो गया ना, और डी आर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो मेरा वी क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट एस एन, और एस एन की वैल्यू क्या मेरी, पाई टू द पावर एन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू गामा एन बाई टू, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, आर टू द पावर एन माइनस वन इन टू डी आर। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया आपका, वी जो हो गया दैट इज नथिंग बट पाई टू द पावर एन बाई टू, ध्यान से देखो सारे टर्म्स आपको एज इट इज देखेंगे, डिवाइडेड बाय पाई टू द पावर एन बाई टू, आई होप दिस पार्ट इज ओके, आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, और उसके बाद बाई टू, उसके बाद गामा एन बाई टू। इसका मतलब वॉल्यूम जो आपका आ गया, ध्यान से अगर देखो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाई टू द पावर एन बाई टू डिवाइडेड बाय एन बाई टू, और यहाँ पे अगर गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाओगे क्या हो जाएगा, गामा बाई टू मतलब एन गामा ऑफ एन बाई टू प्लस वन इन टू आर टू द पावर एन। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशनल हाइपरस्फीयर, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे, अगर मैं सी एस आई आर नेट या ये जैम के लेवल की बात करूँ, ठीक है, सी एस आई आर नेट की बात करूँ या जैम लेवल की बात कर लूँ, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट मैक में। स्टैट मैक में जब आप डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड करते हो वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनीवे ऐसे फॉर्मूले ऐसे हैं जिनपे क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे किसी सेशन के साथ कुछ नए वीडियोज़ के साथ, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।